बिना माता पिता का माला राम, दादा दादी के आंखों का तारा माला राम। 10 महीने बाद जब दादा की आंखों के सामने आया तो दादा के आंखों से खुशी के आंसू कोई रोक नहीं पाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप देख रहे हैं राजस्थान राइज। मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले में आज से 10 माह पूर्व एक मालाराम नाम का युवक जो है जो धन्ने का तला का है और गायब हो गया था, और उसके बाद जो है लगातार उसके दादा ने कई प्रयास किए और वो नहीं मिला। उसके बाद दादा ने सदर थाने आकर जो है मामला दर्ज करवाया, और मामला दर्ज करवाने के बाद सदर पुलिस ने उसे एक गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसे ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, और आखिर 10 महीने बाद जो है सदर पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि आहोर की एक संस्था में वो था, और वहाँ पर 10 महीने से वो संस्था जो है उसे बिना पैसे के खाना दे रही थी, उसे अच्छे से रख रही थी। तो बताया जा रहा है कि देखिए, जो इस प्रकार से मंदबुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो आपस में कहीं खो जाते हैं तो उन्हें जो है इस प्रकार की संस्था जो है वो रखती है। पर देखिए, यहाँ पर जब सदर पुलिस जो है उसे लेकर सदर थाने पहुंची तो उसके दादा की आंखों में खुशी के आंसू जो है वो इस प्रकार से छलक उठे कि उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। लगातार उसकी दादा की आंखों से जो है वो आंसू जो है वो बह रहे थे, और जब मालाराम ने अपने दादा को देखा तो वो पैर छू के उसने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जो है दादा और पोता जो थे वो दोनों गले मिले, और दादा की आंखों में इस प्रकार से खुशी के आंसू देखकर हर किसी जो है वहां पर खुशी से झूम उठे थे। क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 माह से उस दादा और दादी ने जो है उस मालाराम को नहीं देखा था, जिसके माता पिता जो है जब मालाराम छोटा था तब ही गुजर गए थे, और उसके बाद जो है उसका भरण पोषण, उसका पालन पोषण जो है उसका दादा जो है वो कर रहा था, और अब दादा दादी के बुढ़ापे का सहारा जो है वो मालाराम था। बताया जा रहा है कि मालाराम और ये 4 भाई है और 2 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन की शादी जो है दादा ने कर दी है, एक भाई की शादी जो है वो दादा ने कर दी है, पर लेकिन बहन जो है वो अपने जो ससुराल है वहाँ रहती है और भाई जो है वो इनसे अलग रहता है। लेकिन मालाराम और मालाराम का एक भाई जो है वो दादा दादी के साथ ही रहते हैं, और अब दादा दादी को इनके सहारे की जरूरत थी, और मालाराम जो है थोड़ा दिमाग से जो है मंदबुद्धि है, और वो यहाँ से घर से जो है निकल गया था, और 10 महीने से लगातार वो घर पर नहीं था, तो उसके दादा दादी को इस बात की चिंता सता रही थी, और उन्होंने कई बार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अन्य जगह जो है उन्होंने पोस्टर भी छपवाए, और आखिरकार सदर पुलिस ने जो है बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 10 माह बाद उस दादा दादी के आंखों के तारे को जो है दादा को लाकर सुपुर्द कर दिया है, और दादा ने जो है सदर थाना पुलिस का धन्यवाद दिया, और आहोर की उस संस्था को जो धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आहोर की जो संस्था है जन जागृति संस्थान, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने 10 महीने तक मेरे पोते को रखा है। और बता दूं कि इस प्रकार से जो युवक घर से निकल जाते हैं और उनकी जो पुलिस जो है किस प्रकार से मदद करती है, उसकी ये बेहतरीन ये उदाहरण है कि सदर पुलिस ने आखिरकार 10 महीने बाद जो है उसे ढूंढ निकाला है और अपने दादा को जो है सुपुर्द कर दिया है। अब उसके दादा का क्या कहना है ये आप भी सुन लीजिए। ये छोरो 12वें महीने 4 तारीख को निकले तो हुर बार 6 तारीख को हूँ वो जन कोई गॉम ट्रैक जोड़ो तो जो 3-4 एक रुपये थोड़े बड़े पकड़ाए तो ये ने हूँ ये ले गयो इधर बड़े बुआ राव थोड़ा हम गयो तो वो थो बापड़े चाटे पासो पाले उदन हूँ घरे हतो को नहीं निकलो जाए नीबल हूँ आगो भटके हूँ बोरियो मैंने लादो को नीबल में हूँ तीनों कम 40 स्कूलों फर मास्टरी मैंने कहो कि थे बा ये फरे हम लादा को नहीं स्कूलों हम पूछे पतो लगाओ स्कूल ही कह के देखी वो है जा तो तेरे घरे वो है तो हूँ तीनों कम 40 स्कूलों फर वो हियाड़ो माते न को एक बिस्कुट और पुड़ियो खाए न वे माते दन कटे कैरी आथन ढोणी गयो तो मैंने कहे ब्याड़ू कराए तो कराए गड़ा मैं ये कार ने फोड़ा देखा पस कह के भोपे के हो गए हासोर में बैठो है तो हासोर गयो 3 बार पीर वाली जाल गयो बड़े भोपे के हो गए सिम में बैठो है तो सिम गयो हंडरी थोड़े में मैं रिपोर्ट दीनी धोरी में थोड़े में दीनी हासोर थोड़े में दीनी बाड़मेर में इन्हें दुर्गा राम जी ने रिपोर्ट दे गयो हुआ हुआ भटको घड़ो मैंने साहब मिले को नहीं पसे पत्रकार ने अशोक सेहरा ने वो नेट में सड़ाए ऐसे क्योंकि जीतो है तो भैया छोड़ो को नहीं को मुँह है तो ही को छोड़ो नहीं के भटके हूँ गणेश साहब मैंने मिले को नहीं हमें धन्यवाद है उनको हमें लाया है तो मेहरबानी करे वो तो माए पर है मोहरा तो कितने महीने हम थोकड़े आए हुए कितनी खुशी है खुशी है इसका रात मारा लुगाई रो 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 आंधी हुई है पहला भले कदी कर रहा हूँ क्यों तो चार बार है सोती बार निकली हुई
हम के लादू को नहीं भेजू माँ बार थाने दिल्ली पकड़ाए थाने महीने तो ये थाने में ले गयो एक राव थरम गयो तो अपने अपने प्रधान साहब है और लड़के मैंने मोटर मैंने क्योंकि बात थोड़े पोत्रो गए या आयो है तो मैं कुछ थोड़े किराए हो दे मोटरसाइकिल ला लो हाँ मैंने मार गरीब पुख दो करो आया मोटरसाइकिल मारे गरीब पुख दो करी गया मैं भाड़ू हो गया थोड़ा क्योंकि बात हो कहते हम भाड़ू में की लो भोड़ो है कि थोड़ा भोड़ो है दिमाग में ये थोड़ो कही ये माँ बाप गया बाप ये माँ बाप रे जे भूत पाऊगा कोई फर्क भुगा दियो दो ही भुगा दियो आठवीं पढ़ियो जड़े सही है तो पसा ये रे दिमाग में कोई भाई देवी देवता रे साहब फर्क पड़े तो ही वो पड़े तो ये नाम की है कितने बरोर हुए ए मैं ये पढ़िया थोने वो ये ना अंदा जो है कितने अंदा जो 15 साल हुआ नौ की ये नल्लो तो ये माँ बाप रोम कदी किए तो माँ बाप तो ये तो इतनी याद रही आता होले होले इतना नाम की जो तो बाप दारू पी जो पी दूर हो बस मार है टीबी भी हमारी भी वही भी मुई बस ने गाते आंज में चार भाई है एक बहन है तो वो बे बहनों हैं चार भाई है तो एक बहन है एक भाई है ये नोनो ने भाई तू तीन छोकरा ने एक नॉन की मैं करना मोटे मोटे छोकरा मैं पढ़ना ही नॉन की ने पढ़ना ही एक ये मोटो है दुर्जन नॉन करे वो ने बे हमारे कहते हैं मोटो डेन पढ़ना है कोई ले लुगाड़ की न्यार हो ए बे बड़ा पोतरी हमारे लोटी भरता तो कोक्ष आ गए ए वो निकले हो मेरे तो बाकी आ है टाबर सही है मतलब बीजा है सही है ए एक ही थोड़ा बड़ो है ए एक ही थोड़ा है अशोक जी मैंने क्यों के थो कहते भाड़ो नहीं हुआ तो मैं दो गए थे बा हुआ हुआ के जो ये नैठ महीने हमारा साठ उड़ो है जी मैं को भाड़ो बा हूँ जैसलमेर गयो जी मैंने एक बिलोर करी हूँ रात फौजी करी मैंने कहू थाने लाख रुपया बराड़ कराए भेजो मैं को मारे नहीं साई जी मारे थोड़ी दुआ साई जी लिया मैं लेन पेट में खाधा मैंने कह के दी रिपोर्ट पर मारे भाड़ ले ली खाधी मैं को अपना नहीं साई जे कह रो भाड़ो नहीं साई जे हूँ मारी जमी भी वैसी पर हूँ रुपये कह रो ले नहीं हाँ जो 10 महीने पहले अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था उसका नाम है मालाराम जिसके दादाजी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी और उन्होंने भी और पुलिस ने भी प्रयास शुरू किया तलाश पता से तलाश के दौरान हमें पता चला कि ये बालक जालौर में एक आओर में एक संस्था है उस संस्थान में होना पाया गया जिस पर पुलिस गई उसकी तलाश की और वहाँ पर जो मालाराम नाम का बालक मिला उससे परिचय किया परिचय करने के बाद उसका वीडियो कॉल करके उसके दादाजी से बात करवाई तो दादाजी ने कहा ये मेरा ही पोता है इसको ले आओ और ये बालक ऐसा है कि अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया सब उसे थोड़ा भोला होना पाया गया तो उसके माता पिता थे नहीं उसके दादाजी ने कहा कि भाई मेरा पोता है इसके तो माता पिता है नहीं मैं ही एकमात्र सहारा हूँ आप सहारा बनो तब राजस्थान पुलिस ने अपने बीड़ा उठाया और पूरी मेहनत तन मन से पूरा प्रयास किया और प्रयास के बाद मेहनत रंग लाई और ये बालक मिला है आज दादाजी को सपोर्ट कर रहे हैं जी कितनी मेहनत लगी है किस प्रकार से पुलिस ने मेहनत की किस प्रकार से इसे ढूंढने में पुलिस ने जगह जगह पोस्टर सबका है और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और संभावित ठिकानों पर तलाश की मगर कहीं पता नहीं चला इंटरनेट पर भी ढूंढा फिर राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया कि जो भी गुमशुदा बच्चा है उनको कहीं पर भी है किसी भी संस्था में उनका फोटो अपलोड किया जाए नेट पर और उसी के प्रयास के दौरान ही गुमशुदा संस्थान ने इसका फोटो अपलोड किया जैसे ही फोटो अपलोड किया नेट पर तो हमने सर्च करते ही रहे थे सर्च के दौरान हमें पता चला कि और में एक संस्थान है जनजागृति संस्थान है वो संस्था भी बहुत बढ़िया है अपने जो भी मुख्य वधीर या बालक आते हैं उनकी अपने संतान की तरह सेवा करते हैं मैं देख के आया हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उस संस्थान का जिन्होंने 10 महीने अपने संतान की तरह इस बच्चे को पाला पोसा है और बिना किसी खतरे से सुरक्षित रखा है। ओके।